मेरे मदर यूज कर रही है सर। ओके, पेरेंट्स को हमेशा नॉर्थ ईस्ट में सुला दो। और इधर मंदिर कहाँ पे है? इधर है मंदिर? नहीं, वहां पे नहीं है मंदिर। एक्चुअली वहां पे बेड है, तो फिर पाप पीछे ना हो, मतलब के वहां पे जगह नहीं है मंदिर के रखने की अच्छी तरह से, ऐसा है। वास्तु के अंदर अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होगा तो बहुत ही फायदा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होगा तो भी बहुत अच्छा रहता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होगा तो भी बहुत अच्छा है। वास्तु में मंदिर की ये तीन चार डायरेक्शन है, बराबर बराबर है। तो इससे क्या, नॉर्थ अगर आपका नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट रहेगा, सक्रिय रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, कॉस्मिक ऊर्जा से प्रभावित रहेगा, तो ये क्षेत्र आपको जीवन में बहुत कुछ देगा। बराबर बराबर है। अच्छा अब ये क्यों बहुत कुछ देगा उसका भी साइंस में आपको बता देता हूं। बराबर। उसका पूरा क्यों बेनिफिट आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब यहां पे आप देखेंगे, एक ड्राइंग आपको समझाता हूं तो जिससे आपकी थोड़ी क्लियरिटी बढ़ेगी कि इस दिशा से क्यों हम प्रभावित है। ये देख रहे हैं ना, ये ड्राइंग देखिए, ये नॉर्थ हो गया, हाँ बराबर। ये नॉर्थ ईस्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या है, या बराबर ये वास्तु पुरुष का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। सिर। हाँ, और ये ब्रह्मस्थान की मैं डिस्कस कर रहा था। बराबर है। तो ये नॉर्थ के अंदर यहाँ पे ये आपको देखिए, ये चक्र है, यहाँ पे ओम लिखा है कॉस्मिक ऊर्जा के लिए, बराबर है। इसलिए यहाँ पे मंदिर होना बहुत ही जरूरी। बराबर है। बराबर अगर वहां पे मंदिर नहीं है तो आपको बहुत ही समस्या जीवन में आएगी। बराबर है। ओके, अगर मंदिर हो गया तो अच्छा है, क्योंकि आपका नॉर्थ बिगड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ही सिंसेरिटी से यहाँ पे मंदिर ही लाना। अगर नहीं ला पाते तो बात अलग है, पर अगर आ जाए तो ठीक है। एक्चुअली पहले था वहीं पे मंदिर था, हाँ फिर क्या हुआ कि मेरे जो सिस्टर है ना, वो मतलब के उसकी डिलीवरी आने वाली थी, तो उसको रूम हाँ अलॉट किया था डेड टाइम पे, तो फिर वहां से हटाना पड़ा, तो फिर हॉल में ले लिया। वैसे एक ऐसा हुआ था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पैसेज में क्या ये वॉश लिखा है वो? वहां पे वो एरिया दिया है वॉशिंग और आप कुछ कपड़े टांगने के लिए, जनरल यूज के लिए, ऐसा है। तो तो यहाँ उसमें पे वैसे कुछ नहीं है, एक वॉशिंग मशीन पर है वहां पे। बस वॉशिंग मशीन नहीं चलेगा। कौन से जोन में वॉशिंग मशीन है? ये जो आपने वॉश लिखा हुआ है ना, उसके ठीक इस तरफ, मेरे को मतलब जोन के बोलिए, ईस्ट 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 साइड में, ईस्ट साइड में वॉशिंग मशीन वहां पे नहीं ईस्ट जोन चलेगा। में। हाँ वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है? चर्निंग, गोल गोल घूम रहा है ना वॉशिंग मशीन, हाँ बराबर है। गोल गोल ही घूमेगा। तो चर्निंग कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, आईएसी तो वॉशिंग मशीन ये ईस्ट ऑफ स्टोर में, ये हाँ साउथ ईस्ट। हाँ वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखना पड़ेगा। बराबर है। हाँ अगर वॉशिंग मशीन एसएससी वहाँ, ईएससी में। एसएससी में, हाँ ईएससी में, वहां पे वॉशिंग मशीन रखना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने वॉशिंग मशीन रखा ईस्ट में तो आपके सोशल कनेक्शन कम हो जाएंगे। आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सोशल होना जरूरी है, लोगों के साथ उठना बैठना, संसार से कनेक्ट होना जरूरी है, तो वहां तो आपको सब ड्रेन हो रहा है। बराबर बराबर है। तो ये स्टोर में आएगा वॉशिंग मशीन? वो बेडरूम के साथ में स्टोर है, ऐसा है। वहां से जाने के लिए रास्ता नहीं है। एक्चुअली ऐसा है, इसमें कंस्ट्रक्शन करे बराबर है कभी। मैं हेलो। आज की बात कर रहा हूँ, कल जो करने वाले हो वो बोलो मुझे। नहीं, ये तो स्टोर रूम है अभी, और यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ से बंद हो जाता है वैसे ये। यानी और ये जो स्टोर रूम है ना, वो बेडरूम के साथ में दिया हुआ है। यानी यहाँ पे नहीं ला पाऊंगे ना आप? नहीं, ला पाएंगे। पक्का? हाँ, वहां पे आ ही नहीं सकता क्योंकि वहां दीवार ही नहीं है अभी, तो वहां दीवार है बीच में, ऐसा है। हाँ, और तभी ये जो विंडो है ना, वो सिर्फ हवा बारी के लिए रखा हुआ है वैसा है। ओके। तो अब आपको वहां पे है ना ये रोड वहां पे लगाना है, एयर एलिमेंट ईस्ट में।
एयर एलिमेंट। यस, आपने इष्ट को मजबूत, इष्ट को आपने एकदम वीक कर लिया, अभी इष्ट को हम ये एयर एलिमेंट से इसको स्ट्रोंग करेंगे, ये एसएस की रोड वहां पे लग, हाँ बराबर, एसएस क्लियर? मटेरियल पे। ओके, और ये मतलब के जो वॉश का है, जो एरिया दिया है वहीं पे रखना होता है। ऐसा नहीं है, ये हमें कहीं पे भी रख सकते हैं, ईस्ट में भी रख सकते हैं, बराबर, ईएनई में भी रख सकते हैं, कहीं पे भी, क्लियर? ओके, क्लियर। अब ये जो आपका रूम है, ये रूम में यहाँ पे पर्दा कौन सा लगा रखा है? पर्दा यहाँ पे, पर्दा है क्रीम कलर के, सब यस, ऑफ मेथी वाइट, क्रीम जैसा। हाँ ऑफ वाइट कलर कर सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ, मेथी क्रीम है वैसे सब जगह पे ऐसा है। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं ये वाले रूम में, ये रूम कौन यूज कर रहा है? ओ, मेरा रूम ही है ऐसा है। तो आपकी आपकी बेड कहाँ, कौन से जोन जोन कौन से जोन को कवर कर रही है आपकी बेड? ये साउथ ईस्ट और ईएसई, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बीच में ऐसा है। हाँ तो ये नहीं चलेगा यहाँ ये पे, जो विंडो है ना उसके पास। तो यहाँ पे ईएसई में अगर आपकी बेड है और आपकी बॉडी का पार्ट आ रहा है, तो आपके लाइफ के अंदर एंजाइटी रहेगी। बराबर बराबर है। साउथ ईस्ट में आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे आएगी तो एंजाइटी रहेगी। मतलब के सिर आना चाहिए या बॉडी पार्ट कोई भी कुछ मैं भी। पूरे पूरे आपका शरीर की बात कर, अब आधा आधा आता है सब में, दोनों में ऐसा रहे हो हाँ तो रहा है। नहीं बराबर चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। है। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो बेड है ना, बेड बेड की साइज, बेड की साइज क्या है? तो 5x6। उसके जमीन पे एक इसी साइज की एक ग्रीन मैट बिछा दो। हाँ ग्रीन मैट, ओके। और उसके ऊपर पलंग आ गया, और उसके ऊपर आप सो रहे हो पलंग पे, बराबर? और जो आपकी बेड शीट है ना, वो भी ऑफ वाइट या ग्रीन कर दो, बराबर है। नहीं, तो जिससे ये दोष कम लगेगा। ये साउथ ईस्ट में जो है उसमें तो कुछ नहीं रखना है ना, मतलब कि ये जो आपने नहीं बेड का बोला, जो नीचे कारपेट रखने की ग्रीन, सिर्फ वही। वही, हाँ। ओके, ओके, बराबर है। व्हाइट, यहाँ पे कलर कौन सा किया है पूरे घर के अंदर? व्हाइट कलर यहाँ पे नहीं चलेगा, ऑफ व्हाइट किया हूँ, तो ऑफ व्हाइट ही है वैसे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा व्हाइट। हाँ, ऑफ व्हाइट है और एकदम ब्राइट व्हाइट नहीं है ऐसे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एसएससी में क्या है? एसएससी में तो टॉयलेट आ चुका है ऐसा है। तो ये टॉयलेट यहाँ पे चलेगा? नहीं, तो वास्तु के हिसाब से टॉयलेट कौन सी दिशा में चलते हैं?